हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेलस क्लासेस। आप देख रहे हैं मैथ, और मैथ में एवरेज औसत का पार्ट 5 आज देखेंगे हम लोग। और यूट्यूब पर जेलस क्लासेस में प्लेलिस्ट में आप लोग को पार्ट 1, 2, 3, 4 तक मिल जाएगा। आज पार्ट 5 का क्लास चल रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर देखेंगे तभी आपको पार्ट 5 समझ में आएगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सोल्यूशन देखिएगा तो बहुत चुटकियों में होगा, ठीक है, सेकेंडों में हो जाएगा ऐसा मानिए। देखिए, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए, कितना रन बनाया हमको नहीं पता है, ठीक है, न एग्जामिनर को पता है। उसने दे दिया है कि कुछ रन बनाया, कितना रन बनाया ये हमको निकालना है, ठीक है, कितना रन कुछ रन बनाया तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाया, 10वीं जो पारी खेला तथा 100 रन बनाया। अब 100 रन बनाकर अपनी औसत रनों की संख्या में 8 रनों की वृद्धि हो गई, ठीक है। 10वीं पारी के अंत में जितना 10वीं पारी के लास्ट खेला उसमें कितना रन हो गया टोटल, तो देखिए टोटल रन इसका कितना है, कितना हमको दिखाई दे रहा है, टोटल रन कितना है, 100 है, ठीक। 10वीं पारी में 100 रन हो गया, 9 पारी में कुछ रन बनाया है, संख्या में बढ़ोतरी कितना हो रहा है तो 8 रनों का वृद्धि हो रहा है। तो क्या करना है हमको, 9 पारी 9 × 8 कितना हो जाएगा, 72, ठीक। अब हमको इसको क्या करना है कि इसका औसत 10 पारियों के लास्ट में जो है उसका औसत निकालना है हमको, एवरेज निकालना। इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 और 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 28 रन उसका औसत 10वीं पारी के अंत में उसका औसत था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटाते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बल्लेबाज अपने 17वें पारी में 85 रन बनाता है, ठीक है, तथा इस प्रक्रिया में उनकी औसत में 3 रन की वृद्धि होती है, तो 17 पारियों के बाद उसका रनों का औसत कितना होगा। देखिए टोटल रन इसमें हम पिछला क्वेश्चन बनाए थे, को समझ में आ गया होगा टोटल रन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। टोटल रन कितना है, 85, और क्या बोल रहा है कि 3 रन का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो कितना में, 17 × 3 वृद्धि आपको हुआ इस प्रक्रिया में उनकी औसत में 3% 3 रन की वृद्धि हुई, तो आपको 17 × 3 = 51, ठीक है। इसको हम लोग माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि 3 रन की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है 3 की, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 37, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। 17 पारियों के बाद उसका रनों का औसत कितना हो जाएगा, 37। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब इसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो और इसमें देखेंगे टाइप 5 में, ठीक। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन है, 50 अंकों का औसत 38 है, यदि इन्हें 2 संख्या 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, तो हमको क्या करना, 50 संख्या का औसत 38 है, 50 × 38, ठीक है, इसको गुणा कीजिए कितना आएगा, आपको गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 1900, ठीक है, 1900। अब देखिए बोला है कि 50 2 संख्या 45 और 55 को छोड़कर, तो 45 + 55 हम छोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ये सब छोड़ने का मतलब कि घटाना, ठीक है, कोई हम कहीं छोड़ दिए तो लॉस ना होगा मेरा, तो इसका हो जाएगा 1800 घटा देंगे तो, ठीक। अब बोल रहा है कि 50 संख्या उसमें से 2 संख्या छूटा है यहाँ पर, ठीक है, बोल रहा है ना 2 संख्या 45 और 50 50, तो 50 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 48, माइनस करेंगे 50 में से 2 तो कितना हो जाएगा, 48 होगा ना। अब हमें क्या करना है कि 1800 / 48 कर देना है, आपका आंसर आ गया कितना कीजिए, आप लोग कीजिए जल्दी, 37.5 आपका राइट आंसर आएगा, इसको काट दीजिएगा इसे तो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि ऐसा क्लास चलता है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 5 का और एवरेज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। ठीक है फ्रेंड, इस सेशन का
यानी एवरेज का आज लास्ट क्लास है, इसके बाद एवरेज समाप्त हो जाएगा। एवरेज में हम लोग 5 आज पढ़ लेंगे और पांचों टाइप में बेहतर कॉन्सेप्ट कैसे बताया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, सौ संख्या का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होगा। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से हमने गलती से 83 लिख दिया या 83 हो गया या 83 पढ़ लिए, ठीक है। तो सही संख्या औसत ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या है, सौ संख्या का औसत कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। 100 × 40 यानी 4000, ठीक है। अब बोल रहा है कि 53 और 83 को त्रुटि हो गया, तो हमें क्या करना है फाइनली, 4000 − 53 + 83, ठीक। इसको जब आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 3970, 3970, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद इसमें हम लोग भागा सौ का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ त्रुटि हुआ था ना, तो इसके चलते भागा सौ का करेंगे। 10 से 10, यदि इसको आप काटिएगा तो कितना जाएगा, 39.7 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।